के बाद हम डेटा वैलिडेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो एडवांस फिल्टर के अंदर में नॉर्मली फिल्टर तो हम यूज करते ही हैं, एडवांस फिल्टर के क्या रोल है चलिए हम ये बता आपको आज बता रहे हैं। और प्लीज म्यूट कर लीजिए, बहुत शोर आ रहा है आप लोगों की माउस से। ओके, जैसे कि हम लोग जनरली फिल्टर तो यूज करते हैं कि हमने अगर एक पर्टिकुलर डेटा में फिल्टर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, कि मुझे यहाँ से क्वार्टर टू सेलेक्ट करना है या करना है, तो हम लोग बस कंट्रोल सिर्फ एल लगाया और इसके फिल्टर्स को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास फिल्टर काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे कि हमने यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिल्टर हो कि मुझे यहाँ पे जो चाहिए, मुझे क्वार्टर वन का भी डेटा चाहिए, क्वार्टर थ्री का डेटा चाहिए एंड यहाँ पे क्वार्टर फोर का डेटा चाहिए। क्वार्टर वन में सेल्स रिप्रेजेंट जो क्वार्टर वन है उसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सी होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑल हो और जो सेल्स है वो सेल्स होना चाहिए ग्रेटर देन आपका 60। क्वार्टर थ्री में सेल्स रिप्रेजेंट सारा चाहिए, प्रोडक्ट आपका ए चाहिए और ये भी चले ले। क्वार्टर फोर में जस्ट आपको यहाँ पे देखना है क्या हुआ जय जी, हेलो तो यहाँ पे ए आ गया। और क्वार्टर फोर में यहाँ पे करना चाहते हैं कि भाई सिर्फ ए आपका ग्रेटर देन 100 हो। अब इस पे फिल्टर यूज करोगे नॉर्मल फिल्टर, तो आपको वन बाय वन फिल्टर यूज करने पड़ेंगे, फिल्टर आपको वन बाय वन यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन एडवांस फिल्टर इस चीज को सुन करता है, आप अपने जो भी कंडीशंस है इस तरह से लिख दो हेडिंग के साथ, उसके बाद डेटा पे जाइए, एडवांस फिल्टर यूज कीजिए, डेटा पे कीजिए एडवांस फिल्टर, यहाँ फिल्टर रेंज आ जाएगा। और फिल्टर रेंज जब आ जाएगा हमारे पास, तो अगली जो कॉलम है वो है क्राइटेरिया रेंज, उस क्राइटेरिया रेंज पे हम जाएंगे और अपना क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, देन ओके स्टॉप। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट फोर और इसी कंडीशन से जो आपने सेलेक्ट किया उसी कंडीशन से यहाँ पे फिल्टर हुआ है। अगर डेटा को कॉपी करना चाहते हो आप, तो आप कॉपी भी कर सकते हो, कैसे, एडवांस फिल्टर और यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन सेलेक्ट किया एंड ओके कर दिया। जो क्राइटेरिया हमने दिया था उस क्राइटेरिया पे यहाँ पे इसने पेस्ट कर दिया, जैसे क्वार्टर थ्री में अश्विन चाहिए तो अश्विन ही है पूरा, ये क्वार्टर फोर ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, जहाँ जहाँ क्वार्टर फोर दिए ग्रेटर देन 100 है आपका। मुझे सिंगल किसी रो में क्वार्टर वन एसयू की डिटेल्स चाहिए, मतलब तो मेरे को जो रेंज आपने जो पूरी रेंज दिया है आपने, बिना मतलब पूरी रेंज के बदले में से फर्स्ट रो की रेंज के अकॉर्डिंग में डिटेल्स लेना चाहता हूँ, तो वही रेंज। अब जो क्राइटेरिया में सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आएगा ना। अब एक एक करना है तो आप यहीं से कर लो, क्या दिक्कत है, यहीं पे क्वार्टर वन की चाहिए तो यहाँ पे क्वार्टर वन सेलेक्ट कर लिया, जो ज़्यादा चाहिए तब इसी के लिए एडवांस फिल्टर बना हुआ है ना, कि बहुत ज़्यादा आपको चाहिए उसी के लिए चाहिए। तो एडवांस फिल्टर हम इसके लिए यूज करते हैं, लगाने का तरीका समझ में आ गया, जस्ट लाइक डेटाबेस फॉर्मूले की तरह यूज होता है। सर जैसे कि जो एडवांस एक्सेल जो बोला जाता है वो इसी चीज को बोला जाता है या फिर क्या एडवांस एक्सेल में एडवांस चीज़? एक्सेल ही होता है, एडवांस मतलब क्या हुआ कि उसको और भी ट्रिकली यूज करना, उसको कॉम्प्लिकेटेड रूप से यूज करना, उसको एडवांस ऐसे यानी कहते हैं। क्या एडवांस एक्स्ट्रा एक्चुअल कोई अच्छा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट नहीं है, एक तरीका है। यानी कि आप किस तरीके से एक्सेल को यूज कर सकते हैं उसी को एडवांस एक धागा है, कोई इसको नॉर्मल सिलने के लिए यूज करता है, कोई कपड़ा बनाता है, कोई कढ़ाई करता है, कोई जाल बुनता है, क्योंकि जैसे सर अभी आपने फिल्टर लगाना सिखाया, उसी इससे तरह से पहले के एक्सेल बारे को में क्या अपना था? अपने तरीके से यूज होता है। एक्सेल एक धागा समझ लीजिए, उसको अपने तरीके से यूज होता है, कोई सिलाई के लिए यूज करता है जस्ट सिंपल एक्सेल यूज करता है, कोई कपड़े बुनने के यूज करता है, कोई डिजाइन बनाने का यूज करता है जस्ट। इसलिए बोलेंगे सर आपने अजय जी आपके इसकी एंड से प्रॉब्लम है, मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा स्क्रीन सही चल रहा है सर, देख लीजिए कहीं आपका डेटा शेटा डाउनलोड तो नहीं हो रहा है कुछ, ठीक है।
अब यहाँ पे हम अगर डिस्कस करें आगे कि और क्या कर सकते हैं, तो इसमें जैसे कि हमने यहाँ पे सेल्स SRM हमारे पास, मुझे इसमें सिर्फ इसके यूनिक नंबर चाहिए, इसमें बहुत डुप्लीकेट्स हैं, जैसे यहाँ पे कई बार रिपीटेड हैं सारे, मुझे सिर्फ इसको एक बार ही करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट, यहाँ इसको सिलेक्ट करूँगा और यहीं पे आपके पास एडवांस फिल्टर में यहाँ होता है यूनिक रिकॉर्ड्स वाले, तो जो एक यूनिक होगा वही आपका यहाँ पे एक फिल्टर करेगा, डुप्लीकेट को फिल्टर नहीं करेगा। हैंग हो गया, ये तो जस्ट फिल्टर करके देगा आपको, लेकिन आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन उस डिलीट हाँ उसके लिए अलग फीचर्स हैं। थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है देखा आपने, तो ये डेटा को हमने सेलेक्ट कर लिया, मैं बोलता हूँ इस डेटा में जस्ट यूनिक रिकॉर्ड फिल्टर होना चाहिए, यूनिक रिकॉर्ड है ना। हाँ तो डुप्लीकेट हाइड हो गया यहाँ पे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, डुप्लीकेट हाइड हो गया, आप चाहते हैं कि नहीं इसको डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आपके पास डिलीट डुप्लीकेट होता है, रिमूव डुप्लीकेट क्लिक किया आपने, एन ओके कीजिए, सारे डुप्लीकेट जो फालतू हैं वो आपके रिमूव हो जाएंगे, बस इतना ही बचेगा। जैसे एक वन हो गया, डबल हो गया, ट्रिपलिंग हो गया, फोरिंग हो गया, हाँ एक छोड़ के बाकी जितने को सब छोड़ के डिलीट, सारे के सारे डिलीट कर देगा। जैसे हम उसके लिए फॉर्मूला आता काउंट इफ का, हाँ वो करने वो की वाला जरूरत आने की नहीं। जरूरत नहीं है ना सर इसमें। ठीक है, अब बारी आती है टेक्स्ट टू कॉलम की। टेक्स्ट टू कॉलम, जैसे कि टेक्स्ट टू कॉलम यूज करते हैं कभी डेटाबेस हम लेते हैं कहीं से, तो उसको कॉमा सेपरेटर अलग करना होता है, जैसे कि टैली से आप डेटा लेते हो, तो टैली में डेटा किस तरह से होता है पता है आपको, मैं नोट बताता हूँ। हाँ नोट पैड की तरह, नोट पैड में होता है कॉमा सेपरेटर होता है, कोई टैब सेपरेटर होता है, कुछ इस तरह से होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि जैसे नेम लिखा हुआ है, नेम ठीक है, नेम लिखा हुआ कॉमा एड्रेस कॉमा सिटी कॉमा पिन नंबर कॉमा मोबाइल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से किसी का रिकॉर्ड आपने नेम उठाया कि नेम में मान लो रवि है, सिटी इसका खानपुर है, एड्रेस खानपुर एड्रेस है, सिटी इसका दिल्ली है, पिन नंबर इसका 11 00 62 है, मोबाइल इसका 99 66, इस तरह से मोबाइल नंबर है। अब ये डेटा आपने इसको कॉपी करके पेस्ट किया एक्सेल में तो कुछ इस तरह से आ गया, लेकिन इसको इस तरह से सेपरेट करना है आपको, भाई नेम इस कॉलम में हो, एड्रेस इस कॉलम में हो, बाकी इस कॉलम में हो, इस कॉलम में हम इसलिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम, लेकिन अलग किसके बिहाफ से करना है, तो अलग आपको करना है कॉमा के बिहाफ से। तो इसको सेलेक्ट किया आपने, टेक्स्ट टू कॉलम पे गए, और एक तो होता है कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं है लेकिन फिक्स लेंथ है, तो यहाँ पे आप फिक्स पे चले जाइए और यहाँ से अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है, हमने बोला डिलिमिटेड। नेक्स्ट हमने बोला कि कॉमा, यहाँ पे हम लिखे कॉमा, कॉमा से अलग कर दे, नेक्स्ट एंड फिनिश, लग रहा हो गया। हाँ हाँ तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई है ना, जो सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो ना यहाँ पे, हाँ हाँ कॉमा सब कर सकते हो, या कोई अदर करेक्टर है वो भी कर सकते हो यहाँ पे, स्लैश स्लैश जुड़ी, ठीक है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग इसे नोट पीडीएफ से डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं, मान लीजिए मैं पीडीएफ एक दिखाता हूँ आपको, वो सारे पीडीएफ फाइल थे इसमें डाउनलोड किया था, जस्ट ओपन किया था मैं, कि बहुत सारे डेटा होते हैं ना उसमें कॉमा सेपरेटर में, पीडीएफ फाइल यहाँ पे नहीं दिख रही है मुझे, कोई बहुत सारे फाइल डेटा होती है कॉमा सेपरेट होती है, डैश से होती है, तो उसको आप इस तरह से अलग कर सकते हो, ठीक है।
या दूसरा जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि हमने यहाँ पे सिंगल कोड में हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में बहुत सारे नंबर लिख देते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गए, इसको टेक्स्ट कर दिया। अब इसको नंबर में कन्वर्ट करना है आपको, तो कैसे करोगे? इसको कॉपी करके कहीं थे आपने वैल्यू पेस्ट कर दिया, मान लो इसको वैल्यू पेस्ट कर दिया, फिर भी टेक्स्ट है ना, जैसे बेसिकली डेट में होता है कि डेट आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे गए डेटा में, टेक्स्ट टू कॉलन एंड जस्ट फिनिश, कुछ नहीं करना है। ऐसे आपको किसी ने डेट लिख रखा है कि यहाँ पे इस तरह से कि 1 यहाँ पे 20, इस तरह से कि 1/10/2014, ठीक है, 24/14, क्या हो रहा है ना कीबोर्ड का, ठीक है, नहीं इसमें प्रॉब्लम हो रखा है, इसमें एडवांस में राइट हो रखा है, ठीक है, इसको डेट में कन्वर्ट करना है, डेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि डॉट लगा है, डॉट लगते डेट हट जाता है, टेक्स्ट में है। अगर हम डेट करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर डेट बने, तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलन, टेक्स्ट टू कॉलन में हमारे पास नेक्स्ट डी लिमिटेड नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे आता है एम डी वाई को डी एम वाई कर दीजिए एंड फिनिश, डेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डेट को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो टेक्स्ट टू कॉलम के बहुत सारे यूजेज हैं, इसका हम यूज करते हैं, क्लियर है। अब टेक्स्ट टू कॉलन के बाद अगर नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है डेटा वैल्यूएशन। डेटा वैल्यूएशन क्या होता है कि अगर एक अब जैसे ये डेटा एंट्री के लिए होता है कि अगर एक कॉलन में मुझे अगर बहुत सारे टॉप लिखने चीज़ें लिखनी है और हम चाहते हैं कोई चीज़ मतलब कि ये करना वैलिडेट करना कि हम कुछ चीज़ एंट्री नहीं चाहते, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये मेरे अमाउंट का कॉलन है और मैं चाहता हूँ कि मेरा अमाउंट जो है डेसिमल डेसिमल प्लेसेस में हो, एग्जैक्ट फिगर में हो, समझ गए, नेगेटिव में ना हो डेसिमल में ना हो, कोई डेसिमल लिख ही नहीं पाए, हम राउंड फिगर लेते हैं, जैसे कोई डेसिमल एंटर मारते हैं क्या हो जाए उसको एरर शो करे, एक्सेप्ट ही ना करें। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैल्यूएशन में आएंगे और यहाँ पे हम दे देंगे होल नंबर, होल नंबर, और यहाँ पे हमने बोल दिया इज ग्रेटर देन 0 एंड ओके। अब इसमें कोई भी नंबर, अगर आप कोई ए नंबर डालते हो, जो नंबर हमारे पास होते हैं वो नंबर डालते हो, एक्सेप्ट कर रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा है एक्सेप्ट। उसी में अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की कि अगर मैंने यहाँ पे 36.50 कर दिया, नहीं करेगा, माइनस कर दिया, मैंने से सेव नहीं करेगा, मैं डेसिमल एक्सेप्ट करना चाहता हूँ लेकिन दो नंबर के बीच में, मैं चाहता हूँ कि मेरा अमाउंट टू जो है अमाउंट टू मेरा 1000 से लेके 2000 के बीच में हो, 1000 से 2000 के बीच में हो, तो सिलेक्ट किया डेटा वैलिडेशन और इस पे मैंने डेसिमल्स लगा दिए और मैंने बोल दिया बिटवीन, जो भी कंडीशन सेलेक्ट करना है 1000 से 2000 के बीच में रहे, सिलेक्ट किया एंड ओके कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे रहेगा, ले लेगा, नहीं ले रहा है, ले लेगा और डेसिमल प्लेसेस भी ले लेगा, अगर मैं 1500 तो इस तरह से वैलिडेट हम करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि लिस्ट की बात हो, सिटी है हमारे पास, मैं कंपनी 4 सिटी में ही जॉब अरे करती है, परफॉर्म करती है, तो मैं चाहता हूँ इसमें 4 सिटी के अलावा 5वां सिटी टाइप ही ना हो, या फिर एक ड्रॉप डाउन बनाना है मुझे, तो इस पे जाएंगे लिस्ट पे, लिस्ट, और इस पे जो लिख ड्रॉप डाउन है वो लिख दीजिए आप,
जो भी सिटी है, जैसे कि पुणे है, तो कॉमा कॉमा करके आप लिख दीजिए, पुणे, दिल्ली, नोएडा, कानपुर। ठीक है, नहीं हाँ कुछ लिख सकते हो, लिखोगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर कुछ लिखते हो जो कि है उसी में, जैसे नोएडा लिखा हमने, या भी कहीं पे आपने सिटी लिस्ट लिख रखा है, जैसे मेरे पास सिटी लिस्ट ऑलरेडी है, या मेरा नेम लिस्ट है, या सिटी लिस्ट जो भी है आप, जैसे हमने लिख दिया रवि, रवि लिख के नीचे ड्रैग करके, ये नेम है हमारे पास, तो ये नाम हम यहाँ पे रखना चाहते हैं, यहाँ से लिंक करना चाहते हैं, जैसे कि नेम हमारा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसको सिलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन और लिस्ट, और इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो कहीं से हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं और खुद टाइप भी कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन के अंदर। अगर अगले स्टेप बढ़ते हैं हमारे पास, जो अगले स्टेप हमारे पास इसमें है डेटा वैलिडेशन के बाद, जैसे कि डेसिमल्स, लिस्ट हो गया, डेट, एक पर्टिकुलर डेट जिसे बाद में डालना चाहते हो लिस्ट, टेक्स्ट लेंथ, जैसे कि आप मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर कुछ ऐसे लिख रहे हो, उसमें डिजिट का फर्क होता है। हेलो सर, ये जो वैलिडेशन लगा रहे हैं हम लोग, तो इसमें जैसे मैंने कविता डाला था, कविता का सारा डेटा दिखाना चाहिए, वो एडवांस चीज है, आगे बढ़ते हैं। तो एडवांस में ओके, ठीक है, फिर आप बताइए सर। एक मिनट, 5 मिनट रुकिए, कदम कर लेते हैं, बात करते हैं। क्लास चल रहा है आपको? तो इस वो चीज़ें एडवांस है, हम कल करेंगे आपको, ठीक है सर? वो चीज़ें पूछ रहे हो ना, तो एडवांस है, एडवांस डेटा वैलिडेशन के अंदर में आएगा। अभी जो नेक्स्ट हमारे पास है कि ई कॉलन के अंदर में हमारे पास मोबाइल नंबर है, मैं चाहता हूँ कि इसमें 10 डिजिट से न कम न ज़्यादा एंटर ही ना हो पाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे डेटा वैलिडेशन लिस्ट, टेक्स्ट लेंथ यहाँ पे कर देंगे इक्वल टू 10010, या भी जो भी कंडीशन आपने हिसाब से सूट करती है वो कंडीशन डाल दो। अब यहाँ पे क्या है कि 10 डिजिट से कम जैसे कोई डालेगा एरर शो कर। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, जो एरर शो हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एरर है, किसी अनजान व्यक्ति को बोलोगे, बोलेगा कि यार एक्सेल खराब हो गई, एक्सेल को चेंज करो। मैं चाहता हूँ यहाँ खुद के कुछ ऐसे कमेंट शो करना ताकि अंडरस्टैंड हो कि हाँ क्या है प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर, रॉन्ग मोबाइल नंबर, प्लीज चेक कर रही है एंटर, ऐसे आना चाहिए ना, जैसे सॉफ्टवेयर में आते हैं ना हमारे। तो उसके लिए जब हम डेटा वैलिडेशन करते हैं तो उसमें दो चीज़ें, एक तो इनपुट मैसेज आती है, उसमें मैंने यहाँ पर डाल दिया, नहीं नहीं यहाँ पर मैंने कमेंट डाल देता हूँ, एंटर मोबाइल नंबर, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे अभी माउस जाएगा तो नहीं, जैसे कर्सर जाएगा तो यह मैसेज देगा, समझ गए, जैसे कर्सर जाएगा वैसे मैसेज देगा। हम लोग कमेंट यूज करते हैं ना, तो कमेंट तो फिक्स हो जाता है, कोमा कोमा दिखता है, और कर्सर जाने पे नहीं, माउस पॉइंटर जाने पे दिखता है, लेकिन ये जो होता है आपके कर्सर जाने पे दिखता है, और जब जाएगा तभी दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा, और लगा है इसका भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जब अगर आप अपने खुद का मैसेज देना चाहते हो तो डेटा वैल्यूशन के यहाँ पे एरर अलर्ट पे जाइए, यहाँ पे मैच कर लीजिए, टाइटल दिया मैंने रॉन्ग मोबाइल नंबर, ये ऊपर टाइटल में आएगा, यहाँ टाइटल होता है ना, ये टाइटल है, इस तरह के टाइटल में आएगा। फिर एरर अलर्ट देना है तो उसके लिए यहाँ पे देंगे कि एंटर्ड मोबाइल नंबर इज रॉन्ग, प्लीज चेक एंड री एंटर, ठीक है, एन ओके। अब यहाँ पे जैसे हम नंबर डालेंगे, खुद के मैसेज दे रहा है, दे रहा है ना। अब इसके भी 3 टाइप्स हैं, पहला इसमें जो आता है स्टॉप, मतलब किसी कीमत पे एंट्री नहीं लेने देगा, जो भी नहीं लेने दे रहा है, लेकिन आता है वार्निंग। वार्निंग क्या करेगा कि जब भी हम गलत नंबर डालेंगे तो मुझे इससे यस एंड नो पूछेगा, अगर मैं यस पे क्लिक करूंगा तो एंट्री एक्सेप्ट कर लेगा, नो पे क्लिक करूंगा तो एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा,
ठीक है। और तीसरा इसमें आता है आपका, होता है इंफॉर्मेशन, और जस्ट इंफॉर्म करें, तीन क्राइटेरिया। ओके कीजिए, एलिगेंट, ठीक है। तो ये आपके तीन हो गए, अलग स्टॉप, वार्निंग एंड इंफॉर्मेशन, क्लियर है। अब यहाँ पे इनपुट मैसेज में आप मैसेज डाल सकते हो, सेटिंग में आप सेटिंग कर सकते हो। इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो आता है वो कस्टम। कस्टम आपका एडवांस है, इसमें फॉर्मूले और बाकी चीज़ें यूज करते हैं। तो फिलहाल आप लोग क्या कीजिए, एडवांस फिल्टर को अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेक्स्ट कॉलम को समझ लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। रिमूव डिलीट को समझ लीजिए, एंड जो डेटा विलेशन में बताया था उसको समझ लीजिए। इतना आपके प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कल हम डिस्कस करेंगे एडवांस डेटा विलेशन और कॉन्सिलेटर वगैरह जो बाकी वाटर एनालिसिस है, इसके पेपर में कल मैं आपका ये ख़त्म कर दूंगा डेटा मेनू, ठीक है। उसके बाद हम एरे फार्मूला और बाकी चीज़ों पर चलेंगे। एक समय क्या करोगे लेके, ये कहाँ कुछ है, ना फॉर्मूला है ना कुछ नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, और ये रिकॉर्डिंग्स मैं अपलोड कर देता हूँ, आप लोगों को मिल जाएगा। कल मिलते हैं 8 बजे। बाय। ओके, बाय, गुड नाइट।